सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी क्लिनिकल्स रिलेटेड टू द फोर आर्म. ठीक है, प्रीवियस वीडियोज़ में हमने अपने फोर आर्म के मसल्स डिस्कस किए थे, इंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल कंपार्टमेंट के. ठीक है, इस वीडियो में हम उनसे रिलेटेड क्लिनिकल्स देखेंगे. ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि फोर आर्म में और हैंड में, ठीक है, बॉडी के हर पार्ट में स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं. ठीक हो गया, स्पेसिस किस तरह से प्रेजेंट होती है, उनको कौन लाइन कर रहा होता है, ये जो साइनोवियल शीट्स होती हैं, ठीक है, ये हमारे पास इन स्पेसिस को लाइन कर रही होती है. ठीक है, और इन स्पेसिस का फंक्शन क्या होता है, क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, कि ये हमारे पास जो स्प्रेड है इन्फेक्शन का उसको लिमिट कर रही होती है. ठीक है, उसको आगे बढ़ने से रोक रही होती है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो फोर आर्म कंपार्टमेंट में स्पेस प्रेजेंट है, डैट इज़ नोन एज स्पेस ऑफ पेरोना, स्पेस ऑफ पेरोना. ठीक है, अब बेसिकली ये स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिटवीन द प्रोनेटर क्वाड्रेटस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. ठीक है, अब यह आपको पता है कि जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, डैट इज़ द डीपेस्ट मसल इन द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म. ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, ठीक है, डैट इज़ ऑल्सो द डीप रोप ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म. तो इन दोनों मसल्स के बीच में इस इधर तो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है स्पेस, बट इन दोनों मसल्स के बीच में स्पेस होती है, डैट इज़ लाइंड बाय द साइनोवियल शीथ, और उसको हम स्पेस ऑफ पेरोना कह रहे होते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास हैंड में भी स्पेसिस प्रेजेंट हैं. ठीक है, जो कि बेसिकली जो हमारा पामर एपोन्यूरोसिस होता है, दिस इज़ दी पामर एपोन्यूरोसिस. ठीक है, तो इसके मीडियल और लैटरल फाइब्रस सेप्टम्स निकल रहे होती हैं. ठीक है, तो वो हमारे पास जो हैंड में कंपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं उनकी डिवीजन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास दो स्पेसेस अपीयर होती हैं इन द पाम ऑफ हैंड. एक को हम नाम देते हैं जी मिड पामर या सेंट्रल स्पेस, एंड सेकंड वन इज़ दी थीनार स्पेस. ठीक हो गया, तो मिड पामर या सेंट्रल, ठीक है, डैट इज़ रिलेटेड टू द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द हैंड, और थीनार स्पेस डैट इज़ रिलेटेड टू द थीनार एमिनेंस. ठीक हो गया, लेकिन ये है कि इनमें मसल्स नहीं इंक्लूड होते थीनार के. ठीक है, जैसे थीनार स्पेस है, डैट इज़ प्रेजेंट मीडियल टू दी थीनार मसल्स. ठीक है, और इसमें हमारे पास फर्स्ट लिम्ब्राइकल केनाल आ रही होती है. ठीक है, और जो मिड पामर या सेंट्रल जो स्पेस है हमारी, इसमें हमारे पास सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लिम्ब्राइकल केनाल्स आ रही होती हैं. ठीक है, ये लिम्ब्राइकल केनाल्स क्या हैं, बेसिकली ये भी साइनोवियल शीट्स की कॉन्टीन्यूएशन है, इन्हीं स्पेसिस की कॉन्टीन्यूएशन है, और इन केनाल्स के अंदर लिम्ब्राइकल मसल्स होती हैं. ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई. अच्छा, ये स्पेसेस हो गई, देन हमारे पास क्या होता है कि साइनोवियल शीथ ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस. ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, रेडियल बर्सा का नाम देते हैं. ठीक है, और जो हमारे पास साइनोवियल शीथ है सुपर फिशियलिस मसल की, यानी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपर फिशियलिस के, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के, उनको हम अल्नर बर्सा का नाम देते हैं. ठीक हो गया, मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ. ये जो पहले हमारे पास आ रही हैं, इस तरह से क्लियर नहीं होगा क्योंकि दोनों के ओवरलैप कर रहे होते हैं ना. ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास आ रही हैं जी फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की टेंडेंस आ रही हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये साइनोवियल शीथ में कवर्ड हैं. ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के हैं, ठीक है, ये इसके टेंडन आ गए. ठीक है, ये भी साइनोवियल शीथ में कवर्ड हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, अल्नर बर्सा बना रहे हैं, यानी के एक स्पेस बना रहे हैं. ठीक है, इनकी साइनोवियल शीट्स भी. ठीक है, और ये स्पेसेस कहाँ तक कॉन्टीन्यूड हैं, मीडियल फोर फिंगर्स तक. ठीक हो गया, और जो दूसरी हमारे पास है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन, ठीक है, उसकी वो जिस साइनोवियल शीथ में इन्वेलप्ड है, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, रेडियल बर्सा का नाम देते हैं. ओके, दिस इज़ द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का टेंडन. ठीक है, ये जिस साइनोवियल शीथ में कवर्ड है उसको हम क्या नाम देंगे, रेडियल बर्सा का नाम देंगे, और ये बर्सा कहाँ तक जा रहा है, अप टू दी लेवल ऑफ थंब. ठीक है, तो अल्नर बर्सा कहाँ तक, कहाँ, किससे रिलेटेड है, मीडियल फोर फिंगर से, और जो हमारे पास रेडियल बर्सा है डैट इज़ रिलेटेड टू दी थंब. अगर ना भी याद हो तो आपको पता है कि रेडियल बर्सा, ठीक है, डैट इज़ रिलेटेड टू दी रेडियल बोन या फिर लैटरल साइड. तो लैटरल साइड पे हमारे पास थंब प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो आप इस तरह से याद रखें कि जो थंब का टेंडन है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, उसकी साइनोवियल शीथ को हम क्या नाम देते हैं, रेडियल बर्सा का नाम देते हैं, और जो अल्नर साइड है यानी अल्ना बोन प्रेजेंट है मीडियल साइड पे हमारी, तो मीडियल साइड पे जो मीडियल फोर फिंगर्स हैं इनकी साइनोवियल शीट्स क्या बना रही होती हैं, अल्नर बर्सा. ठीक है, अब जी, अब मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करती हूँ कि हमारे पास क्या हो गया,
ये वाली बात तो क्लियर होगी ना कि रेडियल बर्सा आ गया, ठीक है, एंड अलर बर्सा आ गया, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, फिर क्या हमने पढ़े थे कि सेंट्रल एंड सेंट्रल स्पेस या मिड पामर स्पेस और थीनार स्पेस हमने पढ़ी थी, ठीक है। सेंट्रल स्पेस में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ लुम्ब्राइकल कैनाल्स थी और थीनार में फर्स्ट लुम्ब्राइकल कैनाल्स, ठीक है। तो अब ये आप कॉन्टीन्यूटी देखते जाएँ कि रेडियल बर्सा और अलर बर्सा से ये कॉन्टीन्यू हो गए, ठीक है। रेडियल बर्सा अल्टीमेटली जो है थीनार उससे रिलेटेड है, थीनार स्पेस से, और ये अलर बर्सा इज रिलेटेड टू दी मिड पामर या सेंट्रल स्पेस, ठीक है। अब ये फर्दर हमारे पास जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस और हमारे पास जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस थी उसकी स्पेस को हमने क्या नाम दिया था, स्पेस ऑफ पेरोना का, ठीक है। और ये कॉन्टीन्यूड है हमारे पास विद दी सेंट्रल स्पेस, ठीक है। तो ये सारी स्पेसेस आपस में रिलेटेड हैं एंड दीज आर कवर्ड बाय दी साइनोवियल शीट्स ऑफ दी मसल्स, ठीक है, जो हमारे पास मसल्स को इन्वेलप कर रही हैं, उन वही बेसिकली साइनोवियल शीट इन स्पेसेस की फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली क्या होगा कि इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सुई चुभ गई है इन दी पल्प स्पेस। अब पल्प स्पेस क्या है ये भी सुन लें, ठीक है। जो फिंगर्स होती हैं हमारी, ठीक है, आप खुद भी टिप्स ऑफ फिंगर्स को फील करके देखें तो आपको ये पैडी सी फील होंगी, ठीक है। दैट इज़ बेसिकली ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ फैट, ठीक है। डिस्टल फैरिंग्स वाले पोर्शन तक हमारे पास क्या होता है, फैट की डेपोजिशन होती है। डैट इज़ कवर्ड बाई द साइनोवियल शीट, ठीक है। डैट इज़ नोन एज दी पल्प स्पेस, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल इस इंडेक्स फिंगर में सुई एक चुभ गई है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो अब क्या है कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ तक जाएगी, डैट इज़ रिलेटेड टू दी अल्नर बर्सा, ठीक है। अल्नर बर्सा से रिलेटेड है तो ये फैलती फैलती स्पेस ऑफ पेरोना तक स्प्रेड हो सकती है, ठीक है। अनटिल और अलनेस अगर यहाँ पे इन्फेक्शन को ट्रीट कर लिया जाए तब तो स्प्रेड नहीं होगा, लेकिन अगर ना पता चले इन केस, ठीक है, तो इन्फेक्शन जो है वो वहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई जी स्पेसेस। अब ये मैंने बताई क्यों हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट क्लिनिकल है डैट इज़ नोन एज फोर आर्म कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ठीक है। तो फोर आर्म कंपार्टमेंट सिंड्रोम में बेसिकली यही हो रहा होता है कि हमारे पास इन स्पेसेस के थ्रू, ठीक है, हमारे पास जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता रहता है, ठीक है। अब स्प्रेड होने से फोर आर्म कंपार्टमेंट सिंड्रोम में होगा क्या, ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि हमारे पास जो वेन्स हैं वो थोड़ा सा सुपरफिशियली भी प्रेजेंट होती हैं, सुपरफिशियल फेशिया में भी प्रेजेंट होती हैं, जबकि आर्टरीज डीप फेशिया में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है, आर्टरीज भी सुपरफिशियल फेशिया में प्रेजेंट हो सकती हैं, बट मेनली जो है वेन्स जो हैं आपको वैसे भी नज़र आ रही होती हैं अगर आप अपने फोरआर्म कंपार्टमेंट में देखें तो, ठीक है। जो ब्लू आपको बेसिकली अपीयरेंस नज़र आती है दैट इज़ दी वेन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इन वेन्स की नेक्रोसिस होगी, ठीक है। हमारे पास नेक्रोसिस क्यों होगी, क्योंकि इन स्पेसेस में इन्फेक्शन फैलने की वजह से एडीमा हो रहा है, ठीक है। एडीमा आपको पता है कि स्वेलिंग होती है ड्यू टू द डेपोजिशन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। उसकी वजह से हमारे पास ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो जाएंगी, ठीक है, और कंप्रेस होने की वजह से क्या होगा कि वेन्स और आर्टरीज की नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है, सबसे पहले वेन्स जो है वो अफेक्ट होंगे, देन दी आर्टरी, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि सबसे पहले तो जो अर्ली साइंस हैं उनमें यह देखा जाता है कि स्किन सेंसेशन लॉस होती है, ठीक है। ऑब्वियसली जब हमारे पास एडिमा हो रहा है तो नर्व भी तो जो है कंप्रेस हो रही है ना, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स के साथ साथ। तो हमें पता है कि डिफरेंट जो हमारे पास नर्व्स हैं, अल्नर नर्व, मीडियल नर्व और रेडियल नर्व, ठीक है, तो ये हमारे पास कुटेनियस ब्रांचेस भी दे रही होती हैं जो कि सेंसेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है, इन दी डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ये सेंसरी लॉस सबसे पहले देखा जाएगा, ठीक है, ये जो हमारे पास क्यूटेनियस ब्रांचेज हैं इनकी कंप्रेशन की वजह से स्किन सेंसेशन लॉस हो जाएगी। देन हमारे पास क्या होगा कि पेन देखा जाएगा, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडिमा हो गया था, यहाँ पे कंप्रेशन हो गया ब्लड वेसल्स और नर्व्स की, ठीक है, यहाँ पे हमें देन पेन फील होगा पेशेंट को, ठीक हो गया। देन अगर हम पैसिव मूवमेंट करवाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल पैसिव फ्लेक्शन करवाते हैं हम पेशेंट की, तब भी उसे एक्सट्रीम पेन जो है वो फील होता है, ठीक हो गया।
इसके अलावा हमारे पास जो नेल बेड्स हैं, ठीक है, नेल बेड्स की ये जो रीफिल है, कैपिलरी रीफिल है, ठीक है, वो नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि फोर आर्म कंपार्टमेंट पे अभी हमने पढ़ा कि कंप्रेशन की वजह से ऑब्वियसली नेक्रोसिस हो जाएगी ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, ठीक है, या बहुत मुश्किल से पहुँच पा रहा है। इस वजह से यहाँ भी हमारे पास जो ब्लड फ्लो है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से ब्लू अपीयरेंस भी शो होगी, ठीक है। तो डैट इज़ रिलेटेड टू द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जो कि हम फोर आर्म कंपार्टमेंट सिंड्रोम में देख रहे थे, ठीक है। और इसके ट्रीटमेंट के लिए हम ये जो है सजेस्ट किया जाता है कि डीप फेशिया की सर्जरी करके उसे निकाल लिया जाए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि डीप फेशिया मसल्स को कवर कर रही हैं और साइनोवियल शीट्स देन फर्दर इससे निकल रही हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास कवर कर रही हैं, स्पेसिस बना रही हैं, ठीक है। तो डीप फेशिया को हम जो है सर्जिकली रिमूव कर देंगे टू डीकम्प्रेस द अफेक्टेड कंपार्टमेंट, ठीक है। साइनोवियल शीट सॉरी उससे नहीं निकल रही होती, डीप फेशिया से मतलब कि साइनोवियल शीट्स में जब एडिमा हुआ है, ठीक है, ऑब्वियसली तो स्वेलिंग हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम ये डीप फेशिया को सर्जिकली निकाल लेते हैं ताकि जो स्पेस है, ठीक है, वो अवेलेबल हो जाए। डीप फेशिया के निकलने से जो स्पेस अवेलेबल होगी बॉडी में, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास कि उस स्पेस में जो कंप्रेशन हुई थी ब्लड वेसल्स की वो दोबारा से डीकम्प्रेस हो पाएंगी, ठीक है, उन्हें स्पेस मिल जाएगी ना, तो जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है दोबारा से रिवाइव हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिले करते हैं हम, और डिले एज लिटिल एज फोर आवर्स का भी अगर डिले करेंगे, तो हमारे पास दोबारा से मसल्स की वही जो है वो कंडीशन हो जाएगी और मसल्स की पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है टेनिस एल्बो, ठीक है। टेनिस एल्बो में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास एक्सटेंसर मसल्स हैं, ठीक है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के एक्सटेंसर मसल, आपको पता है कि अप टू दी एनकोनियस कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं जी, लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ दी ह्यूमरस से, ठीक है, दिस इज़ दी लैटरल एपिकोंडाइल, ठीक है, सारे जो एक्सटेंसर मसल हैं वो इधर से ओरिजिनेट हो रहे हैं, डीप सुपरफिशियल ग्रुप के सारे मसल्स और डीप ग्रुप का सुपीनेटर मसल यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो लोग एक्सटेंसिवली यूज़ जिनका होता है एक्सटेंसर मसल्स का, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास टेनिस प्लेयर हैं या जो वॉयलिन प्लेयर होते हैं, ठीक है, तो आप टेनिस प्लेयर्स को देखें कि उनकी मूवमेंट इस तरह होती है बॉडी की कि एक्सटेंसिव यूज़ हो रहा होता है एक्सटेंसर मसल्स का, ठीक है। तो क्या होता है कि इस एक्सटेंसिव यूज़ की वजह से जो लैटरल एपिकोंडाइल है, ठीक है, इसकी इसमें जो हमारे पास मसल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं एक्सटेंसर मसल, ठीक है, या तो उनकी डीजेनरेशन हो जाती है या फिर पार्शियल जो है वो टियरिंग हो जाती है फ्रॉम देयर ओरिजिन, ठीक है। अब क्यों हो रही है कि आप देखें कि एक्सटेंसिवली जब मसल यूज़ होगा, ठीक है, तो मसल जो है फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है बिटवीन द बोन एंड दी टेंडन ऑफ दी मसल, ठीक है, इस तरह से कि मैं बता रही हूँ कि एक्सटेंशन हो रही है, ठीक है, और दोबारा से आप इस पोजीशन पे आ रहे हैं, तो ये जो बैक एंड फोर्थ पोजीशन है इसकी वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी उसकी वजह से डीजेनरेशन हो सकती है या फिर टियरिंग भी हो सकती है, यानी कि ये अपने ओरिजिन ही से बिल्कुल हट जाएँ, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली टेनिस एल्बो है, और ज़ाहिर बात है कि जब हमारे पास पेन शुरू होगा, ठीक है, तो ये अप टू दी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म तक पूरे में स्प्रेड करेगा, ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि हमने पढ़ा है कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो एक्सटेंसर मसल है अप टू दी सुपीनेटर वो लैटरल एपिकोंडाइल से ओरिजिनेट करें, तो उनकी डीजेनरेशन की वजह से या टेयरिंग की वजह से मसल्स इफेक्ट होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से पेन प्रोड्यूस होगा। और ख़ास तौर पर जब ऐसे पेशेंट्स डोर ओपन करते हैं या ग्लास लिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो एक्सट्रीम पेन उनको फील होती है, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है कि एक तो हमने ये पढ़ लिया कि टेनिस एल्बो, ठीक है, टेनिस एल्बो बेसिकली हमने टेनिस प्लेयर की वजह से इसको टेनिस एल्बो का नाम दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात हमारे पास इसमें जो है लैटरल एपिकोंडिलाइटिस भी हो सकती है, ठीक है, क्या मतलब है इसका, एपिकोंडिलाइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन ऑफ दी एपिकोंडाइल लैटरल एपिकोंडाइल ऑफ दी ह्यूमरस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, मसल पे तो उसका इफेक्ट हमने देखा, लेकिन क्या है कि जो पेरिओस्टियम है हमारे पास इस लैटरल एपिकोंडाइल की, वो भी तो डैमेज हो सकती है इस एक्सटेंसिव यूज़ की वजह से, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि इस केस में अगर इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है पेरिओस्टियम की, तो लैटरल एपिकोंडाइल भी इन्फ्लेमेट कर जाएगा, ठीक है, जिसको हम लैटरल एपिकोंडिलाइटिस का नाम देते हैं। और हमारे पास जो थर्ड क्लिनिकल है डैट इज़ दी
फ्रैक्चर ऑफ ओलिक्रेनम, ठीक है, और इसको हम फ्रैक्चर्ड एल्बो का नाम भी देते हैं, जो कि ले मैन लैंग्वेज में हम क्या नाम देते हैं, फ्रैक्चर्ड एल्बो का. वैसे जो साइंटिफिकली इसका नाम है, डैट इज़ दी ओलिक्रेनन फ्रैक्चर. अच्छा जी, अब ये देखें आप, हमने पढ़ा था कि ट्राइसेप्स के जो तीनों हेड है, मीडियल, लैटरल एंड लॉन्ग हेड, डैट आर इंसर्टेड इनटू द ओलिक्रेनन प्रोसेस ऑफ द अल्नाम, ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर इसका फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, यहाँ से, सॉरी, इस पॉइंट से इसका फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा कि ट्राइसेप्स मसल की इंसर्शन की वजह से ये जो ओलिक्रेनन प्रोसेस है ये अपवर्ड पुल हो जाएगा, ठीक है. तो ये हमारे पास बेसिकली हम देखते हैं इन द फ्रैक्चर्ड एल्बो या फिर फ्रैक्चर ऑफ ओलिक्रेनन में. और यही जो फीचर है, ठीक है, जब एक्सरे में डिटेक्ट होता है तो हमें ये पता चलता है कि ओलिक्रेनन का फ्रैक्चर है, ठीक है. तो बेसिकली जो स्पेस होती है बिटवीन दिस फ्रैक्चर वो इनलार्ज हो जाती है, क्योंकि ये वाला प्रोसेस जो है, फ्रेगमेंट जो है बोन का, वो ऊपर की तरफ पुल हो गया बाई मीन्स ऑफ ट्राइसेप्स, ठीक हो गया. तो इस वजह से हमारे पास जो एक्सरेज आते हैं, ठीक है, उसमें ये उससे ये आसानी से जो सिग्निफाई हो सकता है कि हमारे पास ओलिक्रेनन का फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्लिनिकल है रिलेटेड टू दी एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस के टेंडेंस है. अब ये दोनों तकरीबन साथ साथ ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये मैं करती हूँ. ओके, अब मैं एक सेकेंड निकाल लूँ, ठीक है. ओके जी, ये हमारे पास है, दिस इज़ दी एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट टेंडन एंड दिस इज़ दी एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस टेंडन. अब अगर आप इन दोनों टेंडन्स के नीचे गौर करें तो हमारे पास रेडियल बोन का स्टाइलॉइड प्रोसेस नज़र आ रहा है, ठीक है. और हमारे पास, हमें पता है कि लैटरल साइड पे जो है वो स्टाइलॉइड प्रोसेस प्रेजेंट होता है, ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल इसका फ्रैक्चर हो गया है, ठीक है, या फिर इन टेंडन्स और इस स्टाइलॉइड प्रोसेस के रिपीटेड फ्रिक्शन की वजह से जो ये टेंडन्स हैं उनकी हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है, उनमें एडिमा हो सकता है. और अगर ज़्यादा कंडीशन जो है वो ज़्यादा फ्रिक्शन हो इन केस, तो हमारे पास इनका रप्चर भी हो सकता है टेंडन्स का, ठीक है. तो क्या है कि ऐसी मूवमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो औरतें कपड़े निचोड़ रही होती हैं, ठीक है, कपड़े जब निचोड़ रही होती हैं तो आप उनके हैंड पे जो है वो गौर करें, ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग कर रही होती हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है बिटवीन दी स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड दी टेंडन्स ऑफ एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है. तो क्या होता है कि इस केस में अक्सर देखा गया है कि ख़वातीन के हाथ में दर्द होता है एक्सट्रीम इस पोजीशन पे, ठीक है, तो वो बेसिकली इसी वजह से हो रहा होता है, ठीक है. अगर दर्द से आगे बढ़ के अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन है, ठीक है, तो एडिमा हो जाता है और ये जगह स्वेल हो जाती है, ठीक है. और इसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, स्टीनोसिंग टीनोसाइनोवाइटिस का, ठीक है. और इसमें ये भी होता है कि साइनोवियल चीज की फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है. तो जाहिर ही बात है कि उनकी मूवमेंट्स जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है, और वो सही से फंक्शन नहीं कर पाते. और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, डैट इज़ द सर्जिकल इंसर्शन, ठीक हो गया. सर्जिकली इन कंस्ट्रिक्टिंग शीथ को हम जो है वो एडिमा रिमूव करते हैं इनका, ठीक है, और इस देन हमारे पास ये मूवमेंट करने के काबिल होती हैं, ठीक है. अच्छा, ये तो हो गए जी ये दो टेंडन्स. अब ये जो आपको ये वाला टेंडन नज़र आ रहा है, डैट इज़ दी एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गेस्ट का टेंडन, ठीक है. अब क्या है, अगर डिस्टल थर्ड ऑफ रेडियस का हमारे पास फ्रैक्चर हो जाता है, यहाँ पे अगर देखो, ठीक है, तो ये टेंडन भी इस तरह करके जा रहा है, ठीक है. तो अगर डिस्टल थर्ड ऑफ द रेडियस का फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर जो हमारे पास ट्यूबरकल है, ठीक है, डॉर्सल ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है यहाँ पे रेडियस का, तो इसकी रफनिंग हो जाती है. उसकी वजह से क्या होगा कि इस टेंडन पे भी एक्सट्रीम फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, ठीक है. और एक्सट्रीम फ्रिक्शन की वजह से इसकी भी इसमें भी एडिमा हो सकता है, रप्चर हो सकता है, ठीक है, स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है. वही क्लिनिकल साइंस हैं जो कि हमने इसमें देखे थे, स्टीनोसिंग टीनोसाइनोवाइटिस में, ठीक है. बस ये डिफरेंस है कि इसमें जो है फ्रिक्शन होती है विद द स्टाइलॉइड प्रोसेस, और यहाँ पर फ्रिक्शन हो रही है, सॉरी, फ्रैक्चर हो रहा है या तो डिस्टल थर्ड ऑफ रेडियस का, या फ्रिक्शन हो रही है विद द रफनिंग ऑफ डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ रेडियस से, ठीक है.
तो उसकी वजह से ये रप्चर क्या हो सकता है कि टेंडन जो है सॉरी रप्चर हो सकता है, ठीक है। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी देखा गया है कि इस टेंडन का रप्चर हो जाता है, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो टेंडन है वो ईजिली रप्चर हो सकता है अपने पॉइंट से, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और क्लिनिकल फीचर है, डैट इज़ रिलेटेड टू दी पामेरिस लॉन्गस। 10% पीपल में यह देखा गया है कि या तो ये कम्प्लीटली प्रेजेंट होता है दोनों साइड्स पे, या किसी एक साइड पे एब्सेंट होता है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारे पास प्रॉक्सिमल प्रेजेंट है, यानी मीडियल साइड से इसका टेंडन आ रहा है ना, तो एब्सेंस के अलावा हमारे पास कुछ वेरिएशंस भी देखी जा सकती हैं, जैसे कि या तो इसका टेंडन सेंट्रली यूं करके आ रहा होगा या फिर डिस्कली आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएशंस भी देखी जाती हैं, लेकिन इन एब्सेंस या वेरिएशन की वजह से कोई भी डिसेबिलिटी कॉज नहीं होती, क्योंकि ये मसल रिलेटिवली वीक होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये कोई भी डिसेबिलिटी कॉज नहीं करता, ओके। अच्छा, इसके अलावा हमने हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट वॉल्कमैन्स इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर की, ठीक है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्चर का मतलब होता है शॉर्टनिंग ऑफ द मसल, ठीक है। और शॉर्टनिंग ऑफ मसल की कब होती है हमारे पास, जब मसल फाइब्रस टिश्यू से रिप्लेस हो जाए, ठीक है। तो उसकी उस तरह से ग्रोथ नहीं हो पाती, ठीक है, और ना ही वो उस तरह से फंक्शन कर पाता है, ठीक है। तो अब ये इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर होता कैसे है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डिस्टल एंड ऑफ द ह्यूमरिस का फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, डिस्टल एंड का फ्रैक्चर हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। तो आपको पता है कि अप टू दी हेड ऑफ दी रेडियस हमारे पास यहाँ तक ब्रेकियल आर्टरी ट्रेवल कर रही होती है, और ब्रेकियल आर्टरी देन रेडियल और अल्नर आर्टरीज़ में ब्रांच कर जाती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब इसका फ्रैक्चर होगा तो हमारे पास ये ब्रेकियल आर्टरी डैमेज हो सकती है, ठीक है, इसकी नेक्रोसिस हो सकती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली जो आर्टीरियल फ्लो है आगे जिसने ब्रांचिंग करनी है और अप टू दी हैंड, ठीक है, जितनी भी हमारे पास ब्लड फ्लो है वो हमारे पास इफ़ेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं शो करूँ, ठीक है, तो दिस इज़ दी ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर डिस्टल एंड का फ्रैक्चर होता है तो हमारे पास क्या होगा कि इसकी रप्चरिंग की वजह से नेक्रोसिस हो जाएगी और आगे ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि मसल्स की सप्लाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये आर्टरीज से हमारे पास ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये सप्लाई हो रहे होते हैं टू द मसल्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो वर्क कैसे करेंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली ये जो मसल्स हैं ये रिप्लेस हो जाएंगे बाय दी फाइब्रस टिश्यू, ठीक है, जिसकी वजह से ये शॉर्टन होते जाएंगे, ठीक है, इनका कॉन्ट्रैक्चर होता जाएगा, यानी शॉर्टनिंग होती जाएगी, ठीक है, और ये अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब इनमें बेसिकली तीन तरह की डिफॉर्मिटीज़ जो हैं वो हैंड से रिलेटेड देखी जाती हैं मसल्स की, कि किस किस तरह से हाथ जो है वो डिफॉर्म हो सकता है। तो ब्रेकियल आर्टरी के नेक्रोसिस की वजह से एक तो हमारे पास ये होगा कि जो लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स हैं, आपको पता है कि फ्लेक्सर टेंडन्स लार्जर होते हैं और देन दी एक्सटेंसर मसल, ठीक है, तो इस तरह से वो मेनली इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो एक जो हमारे पास क्लिनिकल जो सिग्निफिकेशन होगी इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर की, वो क्या है कि हमारे पास जो रिस्ट है, ठीक है, वो एक्सटेंडेड ही रहेगी इस तरह से, सॉरी, ठीक है, इस तरह से एक्सटेंडेड रहेगी रिस्ट, लेकिन क्या होगा जो फिंगर्स हैं उनकी फ्लेक्शन हो जाएगी, ठीक है, ये इस तरह से फ्लेक्स्ड हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो हमारे पास ये जो है वो इस तरह की क्लिनिकल सिग्निफिकेशन हो, तो आप ये बता सकते हैं कि इस पेशेंट को वॉल्कमैन्स इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है कि रिस्ट हमारे पास एक्सटेंडेड ही रहे, ठीक है, इस तरह से एक्सटेंडेड रहे, ठीक है, और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स भी एक्सटेंडेड रहे, सॉरी, इस तरह से एक्सटेंडेड रहे, लेकिन ये जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स हैं ये इस तरह से फ्लेक्स हो जाए, ठीक है। पहले में मैंने क्या बताया था कि रिस्ट हमारे पास क्या थी, एक्सटेंडेड थी, और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स इस तरह से फ्लेक्स हो गए थे। अब इसमें क्या है कि रिस्ट भी एक्सटेंडेड है, मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स भी एक्सटेंडेड है, लेकिन ये जो हमारे पास इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स हैं ये एक्सटेंडेड होगा, ठीक है,
और ये इस तरह की डिफॉर्मिटी है, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या चीज़ आएगी कि हमारे पास जो मेटा कार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये वाले ये एक्सटेंडेड ही रहें, ठीक है, और हमारे पास जो रिस्ट है वो फ्लेक्स हो जाएगी लाइक दिस, और साथ ही साथ ये जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स हैं ये भी फ्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है। पहली क्या थी, रिस्ट एक्सटेंडेड है और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स फ्लेक्स हो गए हैं दूसरे में। और हाँ, इस केस में अगर हम इन मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स की फ्लेक्शन जो है वो पॉज करने की कोशिश करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएंगे, अगर हम इसको पैसिवली फोर्स करें तो ये इस तरह से होता जाएगा, यानी इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स भी जो है साथ साथ फ्लेक्स होते रहेंगे, ठीक है। दूसरे में हमारे पास क्या चीज़ थी कि रिस्ट एक्सटेंडेड है और मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स भी एक्सटेंडेड है लेकिन इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स फ्लेक्स हो गए हैं। और थर्ड में हमारे पास क्या है कि अब मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट्स एक्सटेंडेड है और रिस्ट और इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स फ्लेक्स हो गए हैं लाइक दिस। तो ये तीन जो है वो रिप्रेजेंटेशंस है वॉल्क्मैन्स इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर की। अच्छा, अभी हमने बात की थी ओलिक्रेनियम के फ्रैक्चर की, ठीक है, तो उसकी हमारे पास जब एक्सरे मैं कह रही थी कि हमारे पास सिग्निफिकेशन हो जाती है एक पॉइंट से, ठीक है, कि हमारे पास ओलिक्रेनियम का फ्रैक्चर है और वो कैसे कि जो ओलिक्रेनियम प्रोसेस है ये अपवर्ड पुल होगा, ठीक है, तो ये आपको इस एक्सरे में नज़र आ रहा है कि ये अपने जो अल्ना है उससे काफ़ी डिस्टेंस है इसका और ये अपवर्ड पुल हुआ हुआ है, और किसकी वजह से पुल हुआ है, ट्राइसेप्स टेंडन की वजह से, ठीक है, तो ये हम फ्रैक्चर्स में जो है वो देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अपना जो क्लिनिकल डिस्कस कर रहे हैं डैट इज मैलेट या बेसबॉल फिंगर, ठीक है। अब टेनिस एल्बो वाज रिलेटेड टू द टेनिस प्लेयर, ठीक है, तो मैलेट या बेसबॉल फिंगर इज रिलेटेड टू द बेसबॉल प्लेयर्स या जो मैलेट का जिनके साथ यूज़ होता है, ठीक है। अब होता क्या है, ठीक है, आपको ये बंदा नज़र आ रहा है, ठीक है, मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि आसानी हो जाए। अब इस ये बंदा बेसबॉल पिच पे प्रेजेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास वो बेसबॉल का पैड है, ठीक है, जहाँ पे वो बंदे खड़े होते हैं, ठीक है। भागते भागते ये गिर गया और इसकी फिंगर जो है ये देखें, ये इस तरह से जो है वो पैड में जो है वो इस तरह से टकरा गई, ठीक है, और क्या हो गया कि एक्सटेंसिवली जो है ये हमारे पास इस तरह से टकराई है कि उसका जो टेंडन है, ठीक है, फिंगर बिल्कुल मुड़ गई है डिस्टल फैडिंग्स के पॉइंट से, ठीक है, बिल्कुल जो है वो फ्लेक्स हो गई है, ठीक है। और ऑब्वियसली जब इस तरह से चोट लगती है हमारे पास जो टेंडन होता है, ठीक है, डिस्टल फैलिंग्स पे इंसर्टेड, ठीक है, तो डॉर्सम ऑफ द हैंड है, ठीक है, और डॉर्सम ऑफ द हैंड पे डिस्टल फैलिंग्स पे कौन सा टेंडन लग रहा होता है, एक्सटेंसर डिजिटोरम का, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास इस तरह से फ्लेक्शन हुई है, ठीक है, हाइपर फ्लेक्शन हो गई है, तो क्या होगा कि ये टेंडन एक्सटेंसर डिजिटोरम का रप्चर कर जाएगा, ठीक है। जब रप्चर कर जाएगा तो ऑब्वियसली ये जो हमारे पास डिस्टल फैलिंग्स है जिस फिंगर का जो है वो जिस पे ये इफ़ेक्ट हुआ है, ठीक है, तो वो फ्लेक्स डी पोजीशन पे रहेगी इस तरह से, ठीक है, सॉरी, इस तरह से फ्लेक्स पोजीशन पे रहेगी, ठीक है, एक्सटेंड नहीं हो पाएगी, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इस बंदे की जो फिंगर है वो फ्लेक्स्ड है, ठीक है, क्यों फ्लेक्स्ड है, क्योंकि इंडेक्स फिंगर का टेंडन रप्चर हो गया एक्सटेंसर डिजिटोरम का, ठीक है, तो वो एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो दिस इज़ दी मैलेट या बेसबॉल फिंगर। अच्छा, जो लास्ट हमारे पास क्लिनिकल है, ठीक है, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, कि अगर हमारे पास सिस्ट फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, इस तरह की सिस्ट फॉर्मेशन कॉमन होती हैं साइनोवियल शीट्स में, ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये साइनोवियल शीट जो है स्पेसिस बना रही होती हैं, ठीक है, तो इन्हीं इन्फेक्शन के किसी कहीं पे इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, और उसकी वजह से ये सिस्ट बन गई है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी ये देखें बल्ब लाइक स्वेलिंग है जिसकी वजह से ये जो बाकी टेंडन्स है ये इफ़ेक्ट हो रही हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो भी ब्लड वेसल्स नर्व्स पास कर रही हैं वो उनकी कंप्रेशन हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो रही है, ठीक है, तो सारे वही साइंस एंड सिम्टम्स हैं, ठीक है। बस ये है कि हमें पता होना चाहिए कि जो कॉमन हमारे पास साइट हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट वो कौन सी है, डिस्टल अटैचमेंट ऑफ द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल, ठीक है, यहाँ से ये गुजर रहा होता है, ठीक है, ये जहाँ पे आपको ये सिस्ट नज़र आ रही है, दिस इज़ दी सिस्ट, ठीक है, तो ये कॉमन साइट है फॉर द सिस्ट फॉर्मेशन, ठीक है, और
इससे हमारे पास ठीक है वही हमारे पास साइंस एंड सिम्टम्स होंगे, कंप्रेशन वगैरह होगी, ठीक है। और हाँ, इसके अलावा हमारे पास कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है, ठीक है। कार्पल टनल सिंड्रोम, आपको पता है कि हमारे पास जो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, ठीक है, डैट इज़ बेसिकली दी डी फेशिया की थिकनिंग है, ठीक है, जो हमारे पास ये इंटीरियर रिस्ट है, ठीक है, इंटीरियर रिस्ट है, ठीक है, इसको हमारे पास कन्वर्ट कर रही होती है इनटू द टनल, ठीक है, बाय अटैचिंग विद दी पिसीफॉर्म बोन एंड हुक ऑफ हेमेट टू द मीडियल साइड एंड दी स्केफॉइड एंड ट्रेपिजॉइड बोन ऑन दी लेटरल साइड, ठीक है। तो एक आर्च या आर्च को ये बेसिकली किस में कन्वर्ट कर रही है, टनल में, जिससे हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस और प्रोफंडस के के फ्लेक्सर टेंडन्स पास कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है इस तरह से इसके साथ साथ मीडियन नर्व भी पास कर रही होती है। तो ऑब्वियसली जब हमारे पास इस पोजीशन पे सिस्ट बनी है, ठीक है, तो सिस्ट बनने की वजह से क्या होगा कि कंप्रेशन हो जाएगी कार्पल टनल की, जिसकी वजह से मीडियन नर्व भी कंप्रेस हो सकती है, ठीक है। और ऑब्वियसली जब मीडियन नर्व कंप्रेस होगी तो आगे से हमारे पास जो मसल्स वो प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उनकी पैरालिसिस हो जाएगी, ठीक है। क्यूटेनियस ब्रांच जो है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से पास कर रही होती है, इसलिए सेंसरी लॉस नहीं होता, मोटर लॉस होता है सिर्फ, क्योंकि वो मीडियन नर्व पास जो है सब ऑब्वियसली सप्लाई कर रही है, जो कि विद इन दी कार्पल टनल पास कर रही होती है, ठीक है। तो डैट वॉज ऑल रिलेटेड टू दी क्लिनिकल्स रिलेटेड टू दी फोरआर्म।